नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हर काम की शुरुआत में हमारी इच्छा होती है कि हमें बिना बाधा के ही सफलता मिल जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। काम करेंगे तो बाधाएं भी आएंगी, और कभी कभी तो बाधाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि बार बार असफलताएं मिलने लग जाती हैं। ऐसा स्थिति में कुछ लोग निराश होकर अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें सकारात्मकता के साथ अपनाना चाहिए। हम ये बात श्री राम से आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, रामायण में श्री राम के राज्याभिषेक से जुड़ी सारी तैयारियां हो चुकी थी। अयोध्या के लोग बहुत खुश थे कि राम राजा बनेंगे। श्री राम को भी ये बात मालूम हो चुकी थी कि वे राजा बनने वाले हैं। सारी बातें अनुकूल थी, लेकिन राज्याभिषेक से ठीक पहले रात में कैकेयी मंथरा की बातों में उलझ गई। मंथरा कैकेयी को श्री राम के खिलाफ ऐसा भड़काया कि वे कोप भवन में जाकर बैठ गए। राजा दशरथ को जब ये बात मालूम हुआ तो वो तुरंत कोप भवन में पहुंचे। उस समय कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो वर मांग लिए, पहला भरत को राज्य और दूसरा राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ ने कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैकेयी अपनी बात पर टिकी रहे। हार कर राजा दशरथ ने ये बात श्री राम को बताई। श्री राम ने पूरी बात ध्यान से सुनी और अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। जिस समय श्री राम का राज्याभिषेक होना था, उसी समय राम को वनवास जाना पड़ा। लेकिन वे इस बात से तनिक भी भयभीत या निराश नहीं हुए। उन्होंने धैर्य रखा और सकारात्मक सोच के साथ इस बदलाव को स्वीकार किया। इस प्रसंग में श्री राम ने संदेश दिया कि समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर काम हमारी मर्जी और हमारे हिसाब से हो। अगर हालात हमारे लिए सही नहीं है तो धैर्य रखें और सकारात्मक सोच के साथ बदलाव को स्वीकार करें, तभी जीवन में सुख शांति रह सकती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।